आज मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई नजर आईं। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। दोपहर 3 बजे तक शहडोल जिले में 64% मतदान हुआ, जिसके बाद ये मतदान संपन्न किया गया। जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों ब्योहारी, जयसिंह नगर, जयपुर में मतदान का प्रतिशत कुछ इस प्रकार रहा। ब्योहारी में 60%, जबकि जयसिंह नगर में 65% मतदान किया गया। वहीं जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में 62% मतदाताओं ने अपना कीमती वोट दिया। जिले में कुल 18,29,137 मतदाता हैं, जिनमें से 9,14,568 पुरुष, 9,14,569 महिला मतदाता हैं। जिले में 1924 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें से 29 संवेदनशील और 2 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। जिले में 12,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनाती के लिए रखा गया। मतदान प्रतिशत बढ़ने के लिए मतदाताओं को अपील करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी शुभंदना वैद्य ने कहा कि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र की मजबूती में अपना अहम योगदान दे। इंटर 24x7 लाइव टीवी के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।